हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीटा पर। मैं सुफेन, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर ही लिया होगा दोस्तों, फाइनली उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने छात्रों के हित में कुछ आज बड़े बयान दिए हैं और ये संभव हो पाया है कल के बेरोजगार आंदोलन के चलते हुए जो छात्रों के द्वारा किया गया। दोस्तों, बेरोजगार आंदोलन आज सफल होता दिख रहा है क्योंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्रों के हित में यूपी में जितनी भी भर्तियाँ फंसी हुई हैं और जितनी भी भर्तियाँ आगामी हैं उनको लेकर सभी आयोगों को फटकार लगाई है और उनको एक लिमिटेड टाइम दिया है कि इतने समय के अंदर ये जो रुकी हुई भर्ती परीक्षा के परिणाम नियुक्ति पत्र तक इतने समय के अंदर सभी आयोग दें और जो भर्ती नए आने वाले हैं उनका पूरा का पूरा ब्यौरा करके एक माह के अंदर सारी भर्ती के विज्ञापन निकाले जाए, चाहे वो यूपीएसआई हो चाहे यूपी लेखपाल हो। मैं आपको अपने मन से नहीं, ये सारी चीज़ें माननीय योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है विद प्रूफ लिखित रूप से, साथ साथ उनके जुबानी भी यहाँ पर आपको वीडियो क्लिप के माध्यम से दिखाने वाला हूँ। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना तो आज बनता है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा कि जितने भी यूपी लेखपाल के प्रिपरेशन करने वाले छात्र हैं और साथ साथ पीटी के, तो यहाँ पर एक कंबाइंड सिलेबस रखा गया है। चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल का दोनों का सिलेबस एक होता है। साथ ही पीटी के भी इस पैटर्न को यहाँ पर लागू किया गया है। तो यहाँ पर कंबाइंड सिलेबस तैयार करके एक 99 का नोट्स तैयार किया गया है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट यूपी लेखपाल, चकबंदी लेखपाल का सिलेबस, साथ ही पीटी का पूरा पैटर्न कवर किया गया है। इसमें आपको ग्राम समाज, हिंदी, जीके, मैथ, इनके सभी के चैप्टर वाइज, थ्योरी वाइज, वन लाइनर और मॉक टेस्ट दिए गए हैं। साथ साथ आपको वीडियो क्लासेस के भी इंपॉर्टेंट लिंक, थ्योरी और 500 से ज़्यादा वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो जितने भी यूपी लेखपाल, चकबंदी लेखपाल और पीटी की तैयारी कर रहे हैं वो इस नोट्स को जरूर बाय करें। इसका लिंक नीचे दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और यूपीएसआई का भी नोट्स का लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देखेंगे तो वहाँ से खरीद सकते हैं। चलिए चलते हैं खबर पर। तो सबसे पहले वीडियो क्लिप चलाने से पहले मैं आपको लिखित रूप से यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, ये यूपी गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल अकाउंट से अभी भी थोड़ी देर पहले ट्वीट किया गया है, जो आज बयान हुआ है वही लिखित रूप से यहाँ पर ट्वीट किया गया है। देखिए, माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सभी विभागों को रिक्त पदों का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यानी कि जितने भी रिक्त पद हैं, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, यूपीएसआई, ठीक है, यूपी पुलिस में और इन सभी में जितने भी पद रिक्त हैं उनके विभागों को कहा है कि जल्द से जल्द जितने भी रिक्त पद हैं उनका ब्यौरा हमें सौंपा जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि बीते 3.5 वर्ष में संपन्न 3 लाख पदों पर चयन प्रक्रिया के अनुरूप आगामी 3 माह में भर्ती प्रक्रिया संचालित करते हुए 6 माह में नियुक्ति पत्र वितरित किया जाए। ये इनका संक्षेप में था। यानी कि इन्होंने कहा है कि जितने भी 3 वर्ष में हमारे कालकाल में जितनी भी भर्तियाँ हुई हैं, आवेदन हुए हैं पदों पर, उनकी भर्तियाँ अगर रुकी हुई हैं, जितने भी नियुक्ति पत्र नहीं मिले, जिनके भी रिजल्ट नहीं जारी हुए, जिनकी परीक्षाएँ नहीं हुई, इनको 3 महीने में संचालित कर और 6 माह के अंदर इनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। ये अल्टीमेटम दे दिया गया सभी आयोगों को। अब बात करते हैं दोस्तों इनके वीडियो क्लिप में, और इन्होंने राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल को लेकर दोस्तों सभी विभागों, उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग को फटकार लगाई है और कहा है कि 1 माह के अंदर अंदर ये भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञापन जारी हो जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है हम छात्रों के लिए और आप सभी को अब राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर साथ साथ पीटी को लेकर भी कहा है कि पीटी को भी यहाँ पर पूरी तरीके से लागू किया जाएगा, ठीक है। तो आते हैं खबर पर, यहाँ पर देखते हैं कि क्या माननीय योगी जी ने कहा है, आप उनके जुबानी खुद सुन लीजिए। वीडियो क्लिप आगे मैं लगा रहा हूँ और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। ये अभी भी कंफ्यूजन जो है दूर हो जाना चाहिए हर हाल में, जिससे दूसरा कोई भी चीज हम लोग गांव का प्रस्तुतिकरण इस रूप में होना चाहिए कि वह सही ढंग से और बहुत साफ सुथरे तरीके से समाज के सामने आना चाहिए। ये चीज नहीं हो पाती है। सभी विभागों से आज और कल में यह आंकड़े जुटा लिए हैं और जुटवा करके हमें उपलब्ध करवा दें। जितनी भी भर्तियाँ होनी उन भर्ती की प्रक्रिया को पूरा करने की तैयारी इसमें हर हाल में हो जाए, इसको एक बार देख लेंगे।